दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय आस्था इंस्टीट्यूट इसपुर ऊना। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धामांधरी में चल रही जिला स्तरीय अंडर 14 गर्ल्स खेलकूद प्रतियोगिता के तीसरे दिन कबड्डी एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं के मध्य जबरदस्त मुकाबले हुए। इस दौरान मेजबान स्कूल के प्रिंसिपल नवीन कुमार गुप्ता ने वॉलीबॉल एवं कबड्डी के खिलाड़ियों से परिचय किया और खिलाड़ियों को खेलने के प्रति हौसला अफजाई की। उन्होंने बताया इस चार दिवसीय महिला वर्ग की अंडर 14 जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ी अपना अपना जोहर दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए हर प्रकार की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस खेलकूद प्रतियोगिता में 32 स्कूलों के 445 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया इस चार दिवसीय टूर्नामेंट के समापन अवसर पर सोमवार 12 सितंबर को जिला शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक दविंद्र चंदेल शिरकत कर विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफियां प्रदान करेंगे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धमांदरी में चार दिवसीय अंडर 14 गर्ल्स टूर्नामेंट हो रहे हैं, जिनकी ओपनिंग 9 तारीख को हुई है और ये चार दिवसीय है और इसकी क्लोजिंग जो है 12 तारीख को होगी। इस चार दिवसीय टूर्नामेंट में बच्चों के और स्टाफ के रहने और खाने का उचित प्रबंध किया गया है। टॉयलेट्स की उचित व्यवस्था की गई है, किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी को नहीं है और पूरा सहयोग मिल रहा है। इस टूर्नामेंट में 32 स्कूल भाग ले रहे हैं और उनके 445 बच्चे जो हैं उनके साथ आए हैं, स्कूलों के साथ आए हैं और बाकी ऑफिशियल्स भी इसमें हैं। तो इसकी जो क्लोजिंग 12 तारीख को होगी और हम सभी विजेता और उपविजेता टीम्स जो हैं इनको मुख्य अतिथि द्वारा 12 तारीख को सम्मानित किया जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती के कुशल नेतृत्व में ऊना विधानसभा क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। क्षेत्र में बहुमंजिला मिनी सचिवालय, अत्याधुनिक बस अड्डा, दिव्यांग कौशल विकास केंद्र सहित भव्य भवनों का निर्माण किया जा रहा है। 22 करोड़ की लागत से ऊना शहर में 7 नालों का निर्माण कर शहर को बरसाती पानी से निजात दिलाई है। इसके अलावा जल शक्ति विभाग के माध्यम से हर घर में नल से पीने का पानी पहुंचाया गया है। पेयजल व सिंचाई योजनाओं पर 200 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की गई है, जबकि विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए व्यय कर सड़कों का जाल बिछाया गया है। स्कूल व आईटीआई भवनों, खेल मैदानों, पार्कों के निर्माण से सुविधाओं को जुटाया जा रहा है। ऊना में मदर चाइल्ड हेल्थ यूनिट, ट्रॉमा सेंटर व पीजीआई सैटेलाइट की सुविधा स्वीकृत की गई है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में ऊना विधानसभा क्षेत्र की दशा व दिशा को बदला गया है। ऊना की जनता की अब यही पुकार, सतपाल सिंह सत्ती अब की बार। आस्था इंस्टीट्यूट ईसपुर में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। आस्था इंस्टीट्यूट के चेयरमैन आरएस राणा ने बताया कि हमारा इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट पिछले 12 वर्षों से बच्चों का भविष्य उज्जवल कर रहा है। इंस्टीट्यूट में 11 ट्रेड चलाए जा रहे हैं, जिसमें फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इलेक्ट्रिशियन, फिटर, एसी एंड रेफ्रिजरेशन, डीजल मैकेनिक, प्लम्बिंग, एडवांस फैशन डिजाइन ट्रेड चलाए जाते हैं। इंस्टीट्यूट में 10वीं 12वीं पास विद्यार्थी कोई भी दाखिला ले सकते हैं। दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आस्था इंस्टीट्यूट, गगरेट रोड, ईसपुर, ऊना, 9459778011। सूरज है तू, ये अंधेरा मिटा दे तू, जल उठे चिराग और भर के तुम दिखा दे तू, उम्मीद का सूरज है तू, ये तमस मिटा दे तू, जल उठे चिराग और भर के तुम दिखा दे तू, कस कमर को जोर से अब तुझे निकलना है, सोचा है वो करना है, न झुकना है न डरना है, मिला के हाथ।